बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा आज बिहार के पथ निर्माण मंत्री के साथ बिहार के उद्यमियों की परिचर्चा आयोजित की गई। परिचर्चा पटना के भी आईए हॉल में आयोजित की गई, जिसमें पथ निर्माण मंत्री को उद्यमियों राज्य में उद्योग में सड़क मार्ग से होने वाले समस्याओं को लेकर जानकारी दें, जिसको लेकर मंत्री ने कहा बिहार के उद्योग के विकास के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में 6 घंटे में कहीं भी पहुंचने के लक्ष्य के तहत काम सड़कों का करवा रहे हैं। आने वाले समय में उद्यमियों के द्वारा सड़क नेशनल हाईवे को लेकर दिए गए विचारों पर सरकारी कार्य करेगी। वहीं बिहार की महिला उद्यमी ममता देवी ने कहा बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग का विस्तार हो रहा है। सड़क का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया है, मगर उनके रखरखाव की व्यवस्था समुचित रहे तो ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग का जाल और बेहतर तरीके से बिछाया जा सकता है। एटीएन लाइव के लिए पटना से कैलाश कश्यप के साथ अनूप प्रकाश की रिपोर्ट। क्योंकि मेरा जितना भी उद्यम करती हूँ, जो भी काम तो मैं रूरल एरिया में कर रही हूँ, तो वहाँ जाने में मुझे रोड बहुत बाधक होती है। वहाँ तक मतलब कुछ भी पहुँचाना बहुत दिक्कत होती है। तो मैं इसी समस्या को लेके पथ निर्माण मंत्री के पास आई हूँ कि मतलब जैसे हम लोग शहर के विकास पे ध्यान देते हैं, वैसे गांव का रोड बनता तो है पर वो टिकाऊ नहीं होता है। तो वो कहीं ना कहीं मतलब जैसे शहर के रोड में होता है ना कि इतने दिनों में अगर टूट गई तो आपकी जिम्मेवारी है, तो गांव के रोड के साथ भी कुछ पैसा ही होना चाहिए और वहाँ का रोड चौला भी होना चाहिए और गाँव के रोड पे भी शहर के तरह ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गाँव से भी अधिकांश बच्चे आते हैं पढ़ने काम करने आते हैं और हम लोग उद्यमी गाँव के तरफ अभी जा रहे हैं कि गाँव में रोजगार फैलाए। सब मेरा जैसे सोया पनीर का फैक्ट्री गांव में है, हथियाकन सराय में है, मैं एनकेएस ट्रस्ट चलाती हूँ, तो वो भी मेरा गांव में विक्रम और बीटा में काम कर रही हूँ। तो मुझे सड़क बहुत रोकता है, मार्केट है मगर रुकावट सड़क से। बिल्कुल बिल्कुल, अब बारिश हो गई है तो इस वजह से मैं जा नहीं पाऊंगी, कहाँ कीचड़ में गाड़ी फंसा कहाँ क्या हुआ, तो सड़कें बहुत बाधा बनती हैं हमारे विकास में। मंत्री जी से कुछ आश्वासन मिला कि बेहतर? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी तो मिल ही रहा है। बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ बैठने का मौका मिला और सबसे बड़ी बात है कि सौभाग्य है कि अपने बिहार के इंडस्ट्री जगत के सभी प्रमुख लोग के उपस्थिति में कई अच्छे सुझाव उनके द्वारा मिले दिए गए हैं और जिन विषयों पर इनका कंसर्न रहा है और जो सुझाव आ रहे हैं, कई विषयों पर डिपार्टमेंट अपना काम कर भी रहा है और जो आज सुझाव है उस सभी को हम लोग लेते हुए आने वाले समय में एक जो हम लोग के रोड्स के दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सपना है कि 5 घंटे में हम कैसे कनेक्टिविटी दें, उसके दृष्टि से कई सुझाव है कि जैसे अल्टरनेट बाईपास का विषय रहा है, जैसे 4 लेन्स को 6 लेन्स में कन्वर्ट करने का, किस प्रकार से अभी हाल में हम लोगों ने NH में कितने बड़े पैमाने पर जो काम हो रहे हैं उसको कैसे 4 लेन से 6 लेन किया जाए, तो कई ऐसे सुझाव है इंडस्ट्री दृष्टि डिपार्टमेंट ने एसोसिएशन ने जो सुझाव दिए हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और आज इनके सुझाव से हम लोग को लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। जिस प्रकार से नदियों पे पुल बनाने का काम कर रहे हैं, पटना रिंग रोड को हम लोग चारों ओर से कनेक्टिविटी दे रहे हैं, तो उससे इंडस्ट्रियल सेक्टर को निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा और बेसिकली इनकी इनका एक ट्रांसपोर्टेशन एंड मूवमेंट ऑफ जो इंडस्ट्रियल्स हैं उनका आसान हो, इसके दृष्टि से हमेशा सरकार का ध्यान रहेगा और हम लोगों ने कनेक्टिविटी को विशेष ध्यान दिया है और जो रिंग रोड और बाकी जो 4 लेन्स की स्ट्रेंथनिंग है और जो हमारे अदर स्टेट से कनेक्टिविटी है उस सारे स्टेट पे हम लोग और तेजी से काम करेंगे। लैंड एक्विजिशन को लेकर भी जो इन्होंने सुझाव दिया है उस पर भी डिपार्टमेंट काम कर रहा है और बेहतर और अच्छे सुझाव के साथ हम